मूवी की स्टार्ट में हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, वहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं। उस रेस्टोरेंट में उसके अलावा कोई भी नहीं होता है, जिस वजह से वो वहाँ पर आवाज लगाने लगता है ताकि सामने से कोई वेटर आए और उसका ऑर्डर ले। वहीं पर हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है और बाद में वो शख्स उस पर अटैक कर देता है। उसकी स्किन जली हुई होती है जिस वजह से वो काफी खौफनाक लग रहा होता है, जिसका नाम फ्रेडी होता है। फ्रेडी उस शख्स पर अपने तेज ब्लेड से अटैक करता है, जिसके बाद ही उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि वो ख्वाब देख रहा होता है, लेकिन उसके हाथ पर जो कट का निशान होता है वो रियल होता है, क्योंकि फ्रेडी लोगों के ड्रीम्स में आकर ही उन्हें जान से मार दिया करता था। तभी वहाँ पर क्रिस भी आ जाती है। क्रिस जब उसके हाथ पर आई चोट के बारे में उससे पूछती है तो वो उसे बताता है कि ये सब फ्रेडी ने किया है। फ्रेडी ने कई बार ख्वाब में आकर मुझे मारने की कोशिश की है, जिस वजह से मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ जिससे मुझे नींद ना आए, क्योंकि अगर मुझे नींद आ गई तो फ्रेडी मेरे ड्रीम्स में आकर मुझे मार देगा। लेकिन क्रिस को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि ड्रीम्स में कोई किसी को कैसे मार सकता है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जिस पर फ्रेडी अटैक कर देता है, क्योंकि वो शख्स सो गया होता है। बाद में वो लड़का अपना गला काट कर खुद को मार लेता है और ये देखकर क्रिस और नैंसी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट डे उस लड़के का फ्यूनरल हो रहा होता है। वहीं पर हम एक बच्ची को देखते हैं जिसके कपड़ों पर खरोंच के निशान होते हैं, और अगले पल ही क्रिस की आंख खुल जाती है क्योंकि वो भी ड्रीम देख रही होती है। क्रिस को अभी भी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि ख्वाबों में कोई किसी को मारे और रियलिटी में भी उसकी मौत हो जाए, और साथ ही वो फ्रेडी नाम के शख्स के बारे में जानना चाहती थी। नैंसी क्रिस की बात सुन लेती है और वो उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो लड़का उसे बीच में ही रोक देता है। खैर, इसके बाद ये सब वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद क्रिस को भी फ्रेडी उसके ड्रीम्स में दिखना स्टार्ट हो जाता है। वो कई बार उसके ड्रीम्स में आकर उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता रहता था। नेक्स्ट डे क्रिस स्कूल में होती है अब, क्योंकि वो भी अपने ड्रीम्स के चलते ठीक तरह से नींद नहीं ले पा रही होती है, जिस वजह से उसकी आंख लग जाती है। क्रिस के सोने के साथ ही वो खुद को एक अजीब से रूम में पाती है, यानी वो ड्रीम्स की दुनिया में पहुंच गई होती है, जहां पर फ्रेडी भी मौजूद होता है। फ्रेडी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ रहा होता है और बाद में वो उसके बाल को काट देता है, जिस वजह से क्रिस काफी ज्यादा डर जाती है और वो काफी शाउट करने लगती है, जिस वजह से उसके आसपास बैठे बच्चे उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। बाद में क्रिस घर पर आ जाती है और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वहीं पर उससे मिलने जेसी आता है। बाद में हम देखते हैं कि क्रिस एक अजीब सी प्लेस पर आ गई है और वो देखती है कि किसी ने उसके डॉग को मार दिया है, और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रेडी होता है, क्योंकि क्रिस ड्रीम्स देख रही होती है। बाद में फ्रेडी क्रिस पर अटैक कर उसे जान से मार देता है। ये देखकर जेसी काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि क्रिस की डेथ का ब्लेम उसी पर आएगा। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा कि क्रिस को फ्रेडी ने मारा है, सबका शक उसी पर ही आएगा। वहाँ से निकलकर जेसी नैंसी के पास जाता है और वो उससे कहता है कि फ्रेडी ने क्रिस को भी मार दिया है और बहुत ही जल्द वो मुझे भी मार देगा। तुम्हें पता होगा कि फ्रेडी से खुद को सेव कैसे करना है, लेकिन इससे पहले नैंसी उसे कुछ बता पाती, उससे पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उसे क्रिस को जान से मारने की वजह से अरेस्ट कर प्रिजन में डाल देते हैं। प्रिजन में आने के बाद जेसी को लग रहा होता है कि फ्रेडी उसे यहाँ पर नहीं मार सकता है, जिस वजह से वो रिलैक्स फील करने लगता है, जिससे उसकी आँख लग जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी प्लेस में पाता है, जहां पर फ्रेडी उसे मौत देने के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी जेसी को अपने बाकी दोस्तों की लाशें वहां पर नजर आती है।
और अगले पल ही फ्रेडी वहां आ जाता है। वो उससे कहता है कि इन सब लोगों को मैंने मारा है और अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है। आखिर कब तक तुम अपने दोस्तों से दूर रह पाओगे? और इतना कहते ही फ्रेडी जेसी पर अपने तेज धार ब्लेड से अटैक कर उसे मार देता है और साथ ही रियलिटी में भी उसकी मौत हो जाती है। इधर हम नैंसी को देखते हैं, जिसे जब ये पता लगता है कि जेसी को भी फ्रेडी ने मार दिया है तो वो इस बात से काफी सहम जाती हैं, क्योंकि अब फ्रेडी नैंसी और उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। नैंसी को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि फ्रेडी लोगों को मारकर क्या हासिल करना चाहता है, जिस पर वो शख्स उसे बताता है कि फ्रेडी ने तो कभी भी मुझे ड्रीम्स में नहीं दिखा और न ही उसने कभी भी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। मुझे तो लगता है कि ये एक अफवाह है कि फ्रेडी लोगों को ड्रीम्स में आकर उन्हें मार देता है, लेकिन नैंसी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। नैंसी के पास एक ड्राइंग होती है जो कि उसने खुद ही बनाई होती है अपनी बचपन की यादों के चलते, और फ्रेडी भी उससे ड्रीम्स में उसी स्कूल के बारे में जिक्र किया करता था, जिस वजह से नैंसी अपनी मॉम के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि आप मुझे मेरे चाइल्डहुड वाले स्कूल के बारे में बताएं, क्योंकि हो न हो फ्रेडी का कोई न कोई ताल्लुक उसी स्कूल से है। लेकिन नैंसी की मॉम ये कहती है कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। नैंसी को अपनी मॉम पर डाउट होता है, जिस वजह से वो घर में अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई प्रूफ ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक फोटोग्राफ मिलती है जिसमें उसमें उसके साथ और भी बच्चे होते हैं, और शॉकिंग बात ये होती है कि फ्रेडी ने जितने भी लोगों को मारा था वो सब के सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन फोटोग्राफ्स को देखकर नैंसी अपने मॉम से इस बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें बताती है कि बचपन में उन्होंने उसका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया था जहां पर और भी बच्चे पढ़ते थे, लेकिन वहां का जो गार्डनर था वो सभी बच्चों को काफी मारा पीटा करता था, जिससे उनकी बॉडी में चोट के निशान बन गए थे। लेकिन इससे पहले कि कोई उसके खिलाफ एक्शन लेता वो वहाँ से भाग गया, और इसके बाद फ्रेडी का क्या हुआ मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डे हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि बाकी लोगों के साथ स्विमिंग कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान उसकी आंख लग जाती है, जिससे वो उसी प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर पहले भी उसके बाकी दोस्त आए होते हैं। वो देखता है कि लोग फ्रेडी के पीछे हैं और फ्रेडी उन लोगों से बचकर एक फैक्ट्री के अंदर आ जाता है, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स उससे काफी नाराज थे, जिस वजह से वो फैक्ट्री में आग लगा देते हैं, जिससे फ्रेडी जिंदा ही जलकर मर जाता है। और यही वजह होती है कि फ्रेडी उन पेरेंट्स के बच्चों को इसी फैक्ट्री में लाकर मार देता था। खैर, असल दुनिया में उस शख्स की आंख खुल जाती है और जब वो नैंसी को बताता है कि हमारे पेरेंट्स ने ही फ्रेडी को जिंदा जलाकर मार दिया था, जिस वजह से ही वो रिवेंज लेने के लिए उनके बच्चों को मारता जा रहा है। ये सुनकर नैंसी ये डिसाइड करती है कि वो फ्रेडी को रोकने के लिए वो दोनों उसी स्कूल में दाखिल हो गए। लेकिन स्कूल में आने से पहले वो एक प्लेस पर रुकते हैं जहां से वो नींद न आने की मेडिसिन ले पाए। उसी दौरान नैंसी की आंख लग जाती है और वो ड्रीम्स की दुनिया में आ जाती है। तभी उसके सामने फ्रेडी आ जाता है और वो नैंसी पर अपने तेज धार वाले ब्लेड से अटैक करता है, जिससे उसके हाथ से काफी ज्यादा ब्लड आने लगता है, और साथ ही नैंसी फ्रेडी के कपड़े का टुकड़ा भी रियलिटी में ले आई होती है। बाद में वो स्कूल में आ जाते हैं। नैंसी को ये रियलाइज होता है कि वो इस कपड़े की तरह फ्रेडी को भी रियल वर्ल्ड में ला सकती हैं, जहां वो उस पर हमला कर उसे हमेशा के लिए मार सकते हैं, क्योंकि फ्रेडी को ड्रीम्स में मारना पॉसिबल ही नहीं था। जिसके बाद नैंसी ड्रीम्स की दुनिया में आ जाती हैं ताकि वो फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में ला सकें। लेकिन उसी दौरान फ्रेडी नैंसी के दोस्त पर हमला कर देता है, क्योंकि उसकी भी आंख लग जाती है, जिससे वो ड्रीम्स में आ जाता है। फ्रेडी उस पर काफी अटैक करता है,
जिस वजह से वो शख्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बाद में वो नैन्सी को भी काफी डराने लगता है। वो उस पर काफी अटैक करता है, लेकिन बाद में नैन्सी उसे ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ले आती है और ये देखकर फ्रेडी काफी ज्यादा डर जाता है और वो उन लोगों पर अटैक कर उन्हें जान से मारने वाला होता है, लेकिन नैन्सी उस पर वेपन से अटैक कर उसका हाथ ही अलग कर देती है और बाद में वो उस पर अटैक कर उसे मार देती है। इसके बाद वो उस फैक्ट्री को जला देती है। नेक्स्ट डे नैन्सी अपने मॉम के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि उसने फ्रेडी को हमेशा के लिए मार दिया है, लेकिन उसी दौरान फ्रेडी नैन्सी की मॉम पर अटैक कर उन्हें शीशे के अंदर ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।